मैं हूं उषा खान। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। कनाडा में जंगल की आग से वसी इलाका मुतासिर, 20,000 लोगों का इनखिला। इनखिला के ऑपरेशन में फौजी तैयारों के भी हिस्सा लेने का इम्कान। कनाडा के शुमाल मगरबी इलाकों में एमरजेंसी नाफिज की जा चुकी है। अमेरिका की आमराना पॉलिसी के तनाजर में कनाडा गेम प्लान पर गौर कर रहा है। कनाडा वजीर खारजा का कहना है कि गेम प्लान मुश्किल सूरत हाल में काम करने के लिए है। हम यकीनी तौर पर मंजरनामों पर काम कर रहे हैं। टोरंटो शहर को फंड्स की कमी का सामना। हुकाम का म्यूनसिपल सेल्स टैक्स, ज्यादा जमीन की मुंतकली के टैक्स और इजाफी फीसों पर गौर। शहर को अगली दहाई में 46.5 मिलियन डॉलर के बजट खसारे का सामना है। अमरीकी रियासत हवाई के जंगलात में लगी आग से हलाकतों की तादाद 110 हो गई। रियासत के गवर्नर ने मजीद हलाकतों का खदशा भी जाहिर किया है। हुकाम का कहना है कि जंगल की आग के सायरन ना बजने पर कोई अफसोस नहीं। ईरानी वजीर खारजा की सऊदी अरब आमद, अहम फैसलों का इम्कान। शहजादा फैसल का कहना है कि सऊदीया ईरान ताल्लुकात की बहाली इलाकाई सलामती के लिए अहम है। ईरान की ब्रिक्स में शमूलियत, प्योतन का इब्राहिम रईसी से राब्ता। हेडलाइंस आपने जानी और अब शामिल करेंगे खबरों की तफसील। Laundry is no longer a hassle. Just toss an EcoFresh detergent strip into the washer for a convenient, eco-friendly yet powerful wash. Hypoallergenic, safe for sensitive skin. Say no to bulky plastic jugs and bottles. No more measuring and spilling. Just one strip for a load. Simple and squeaky clean. Plastic-free, biodegradable packaging. Organic, paraben, phosphate, dioxane, and cruelty-free. Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon. क्या आप कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप लेना चाहते हैं या कनाडा में स्टडी करना चाहते हैं? लाइटो इमिग्रेशन न सिर्फ आपको कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप दिलवाने में आपकी मदद कर सकते हैं, बल्कि आपको कनाडा में सेटल और इन्वेस्ट करने के रास्ते भी सुझा सकते हैं। Lito Immigration is a regulated Canadian immigration consultant. We deal in study, work, PNP and PR visas. Get startup visas, work permit and business visas. We rise by lifting others. Lito Immigration. Canada mein bade paimane par janglaat mein aag lagne ke sabab mutasira ilaqon se logon ka inkhila jari hai. Mazeed janenge is report mein. कनाडा में बड़े पैमाने पर जंगलात में आग लगने के सबब मुतासिरा इलाकों से लोगों का इनखिला जारी है। शुमाल मगरबी इलाकों की हुकूमत का कहना है कि जुमेरात के रोज तकरीबन 1,500 अफराद को येलो नाइफ से महफूज मकाम पर ले जाया गया था और जुमे को मजीद परवाजें शेड्यूल हैं, क्योंकि जंगल की आग की वजह से शहर को खाली कर दिया गया है। कनाडा के शुमाल मगरबी इलाके के दारुल हुकूमत येलो नाइफ से 20,000 अफराद को जुमे तक महफूज मकाम पर मुंतकिल होने की हिदायत जारी की गई हैं। हुकूमत के मुताबिक फिलहाल 22 इनखिला की परवाजें हैं, जिनमें तकरीबन 1,800 नशस्तें जुमा 18 अगस्त को दस्तियाब हैं। फौजी तैयारे भी दस्तियाब होंगे, ज़रूरत और दस्तियाबी पर मुनहसर है। हुकाम का कहना है कि हफ्ते के रोज़ भी इजाफी परवाजों का अहतमाम किया जा सकता है। मालूम हुआ है कि कनाडा के शुमाल मगरबी इलाकों में एमरजेंसी नाफिज की जा चुकी है। आग से मुतासिरा इलाकों से लोगों के इनखिला के लिए इमदादी कार्रवाइयों में फौज भी हिस्सा ले रही है। कनाडा में 1,100 मकामात पर जंगलाती आग लगी है। आग से अब तक 13.2 हेक्टर रकबा जलकर खाकसर हो चुका है। वाजह है कि मुल्क के जनूबी और शुमाली हिस्से में जुलाई में सबसे ज़्यादा गर्म दर्जा हरारत था, जो 37 सेंटीग्रेड तक पहुंच गया था। दूसरी जानिब इस वीकेंड पर टोरंटो में धूप निकली रहेगी, जबकि दर्जा हरारत कम से कम 17 और ज़्यादा से ज़्यादा 29 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की तवक्को है। कनाडा की खारजा उमूर की वजीर मेलानी जूली का कहना है कि कनाडा एक गेम प्लान पर गौर कर रहा है कि अगर अमरीका अगले साल के सदारती इंतखाबात के बाद इंतहाई दाएं बाजू की आमराना तब्दीली इख्तियार करता है तो वो क्या जवाब देगा। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। खारजा उमूर की वजीर मेलानी जूली का कहना है कि कनाडा एक गेम प्लान पर गौर कर रहा है कि अगर अमरीका अगले साल के सदारती इंतखाबात के बाद इंतहाई दाएं बाजू की
आमराना तब्दीली इख्तियार करता है तो वो क्या जवाब देगा। हम यकीनी तौर पर मंजरनामों पर काम कर रहे हैं। जूली ने मजीद कहा कि ओटावा के अमरीका के साथ करीबी सियासी और इक्तिसादी ताल्लुकात का मतलब है कि हमें यकीनी तौर पर कई मंजरनामे तैयार करने चाहिए। उन्होंने मशवरा दिया कि कनाडा के जहन में एक गेम प्लान है लेकिन वो तफसीलात में नहीं आएगी। उन्होंने कहा आम तौर पर हमारा गेम प्लान है खास तौर पर उसका इंतजाम करने के लिए जो एक मुश्किल सूरत हाल हो सकती है। मैं अपने साथियों और मेयर्स सूबाई वजीर आजमों कारोबारी बिरादरी के साथ यूनियंस के साथ मुल्क के हर फर्द के साथ मिलकर काम करूंगा ताकि इंतखाबी नतीजे से कतई नज़र हम तैयार रहें। जूली ने अपनी हुकूमत के साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के इंतजामिया के साथ काम करने के तजुर्बे से तशबीह दी जिसने अहम शोबों में तवील अरसे से कायम तजारत को महदूद करने की कोशिश की। मिलानी जूली हुकूमत के साबिक अमरीकी सदर ने अपनी तशहीर के साथ काम करने से तवील अरसे तक अहम बातों में तवील तजारत को महदूद करने की कोशिश की। टोरंटो के हुक्काम म्यूनसिपल सेल्स टैक्स ज़्यादा ज़मीन की मुंतकली के टैक्स और इजाफी फीसों पर गौर कर रहे हैं ताकि शहर के बड़े बजट की कमी के पेश नज़र अखराजात को मुतवाजन करने में मदद मिले। मज़ीद अहवाल इस रिपोर्ट में। टोरंटो के हुक्काम म्यूनसिपल सेल्स टैक्स ज़्यादा ज़मीन की मुंतकली के टैक्स और इजाफी फीसों पर गौर कर रहे हैं ताकि शहर के बड़े बजट की कमी के पेश नज़र अखराजात को मुतवाजन करने में मदद मिले। सिटी मैनेजर और उबूरी चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर की जानिब से जारी करदा एक नई रिपोर्ट में ऑप्शंस का खाका पेश किया गया है कि कोविड-19 वबाई अमराज से पैदा होने वाले बड़े खसारे के तनाजर में शहर किस तरह आमदनी में इजाफा कर सकता है। सिटी काउंसिल को फौरी तौर पर $1.5 बिलियन होल और अगली दहाई में $46.5 बिलियन के बजट खसारे का सामना है। रिपोर्ट में दी गई सिफारिशात पर अगले हफ्ते बहस की जाएगी और इसमें कमर्शियल पार्किंग लीवी $911 लीवी $3 मिलियन से ज़्यादा मालियत की जायदादों के लिए म्यूनसिपल अराजी की आला मुंतकली और गैर मुल्की घरेलू खरीदारों के लिए लैंड ट्रांसफ़र टैक्स शामिल हैं। टोरंटो की मेयर ओलिविया चाउ ने कहा कि अगर रिपोर्ट में दी गई तमाम सिफारिशात का जायज़ा लिया जाए तो शहर अपने खसारे का 40% ही पूरा कर पाएगा। हुक्काम का कहना है कि बकिया 60% के लिए विफाकी और सूबाई हुकूमतों के साथ नए मालियाती फ्रेमवर्क की ज़रूरत होगी। अमरीका की मगरबी रियासत हवाई के जंगलात में लगने वाली सदी की बदतरीन आग के बायस हलाकतों की तादाद 110 हो गई है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। अमरीका की मगरबी रियासत हवाई के जंगलात में लगने वाली सदी की बदतरीन आग के बायस हलाकतों की तादाद 110 हो गई है। अमरीकी रियासत हवाई में जंगलात में आतिशजदगी के दौरान रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा लेने वाले रजाकारों ने इसरार किया है हंगामी सायरन बजाने से जानें नहीं बचाई जा सकती थीं। अमरीकी मीडिया के मुताबिक रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान मिलने वाली लाशों में से बेशतर जलकर राख हो चुकी हैं जिसकी वजह से उनकी शनाख्त में मुश्किल पेश आ रही है। इसके अलावा 3,000 के लगभग इमारतें और 2,500 एकड़ अराजी पर सब कुछ जलकर राख का ढेर बन गया है। रियासत के गवर्नर ने मजीद हलाकतों का खदशा भी जाहिर किया है। अमरीकी सदर जो बाइडन ने समाजी राबते की वेबसाइट ट्विटर एक्स पर अपने एक पैगाम में कहा है कि मैं हवाई के लोगों को इस आफत से निकालने के लिए हर मुमकिन मदद फराहम करने के लिए पुरअज़म हूँ। आग की वजह से तबाही के बाद तनकीद में इजाफा हुआ है जहाँ बच जाने वालों ने शिकायत की है कि कोई सरकारी इंतबाह नहीं है, मोबाइल फ़ोन नेटवर्क और बिजली की फराहमी बंद हो गई है। रूसी सदर प्यूटन और ईरानी हम मनसब के दरमियान दो तरफा तजारत तवानाई और ट्रांसपोर्ट के शोबों को फ़रोग देने पर भी गुफ्तगू की गई। मज़ीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। रूस के सदर व्लादिमिर प्यूटन ने ईरानी सदर इब्राहिम रईसी से टेलीफोन पर राबता किया है। रूसी सदर प्यूटन और ईरानी हम मनसब के दरमियान दो तरफा तजारत तवानाई और ट्रांसपोर्ट के शोबों को फरोग देने पर भी गुफ्तगू की गई। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक दोनों ममालिक के रहनुमाओं ने 5 ममालिक की तंजीम ब्रिक्स में ईरान की मुमकिन शमूलियत पर तबादला ख्याल किया। ख्याल रहे कि रूस एक अरसे से एशिया, जनूबी अमरीका और मशरिक़ वस्ती के मुल्कों के साथ करीबी ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करने की कोशिशें कर रहा है। ताहम यूक्रेन पर फौजी हमले के बाद यूरोप, अमरीका और दीगर मुल्कों की जानिब से इस पर आयद की जाने वाली पाबंदियों का मुकाबला करने के लिए उसने हालिया दिनों में अपनी कोशिशें तेज़ कर दी हैं। दूसरी जानिब सऊदी वजीर खारजा शहजादा फैसल बिन फरहान ने कहा है कि सऊदी अरब और ईरान के दरमियान सिफारती ताल्लुकात की बहाली इलाकाई सलामती के लिए एक अहम लम्हा है। सऊदी दारुलहुकूमत रियाज में अपने ईरानी हम मनसब हुसैन अमीर अब्दुल अलहियान के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए शहजादा फैसल ने कहा कि सऊदी अरब ईरान के साथ दो तरफा ताल्लुकात को मजबूत बनाने का ख्वाहां है। उन्होंने मजीद कहा कि सऊदी अरब ईरान के साथ तयशुदा सिक्योरिटी और इकतसादी माहदों को फाल करने का ख्वाहां है। उन्होंने वर्ल्ड एक्सपो 2030 की मेज़बानी की
सऊदी अरब की कोशिशों की हिमायत पर ईरान का शुक्रिया अदा किया। हुसैन अमीर अब्दुल अलहान ने अलरियास में होने वाली बातचीत को नतीजा खेज करार दिया। उन्होंने कहा कि इस्लामी जमहूरिया ईरान खत्ते में सऊदी अरब के किरदार को कदर की निगाह से देखता है और दोनों ममालिक देरीना इलाकाई मसाइल के हल के लिए मिलकर काम कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात दुरुस्त सिम्त में आगे बढ़ रहे हैं और उनका मुल्क सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात को मजबूत बनाने के लिए पुरअज़म है। टैग टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टैग टीवी।